बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रताज हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रताज हुसैन। और नाज़रीन, मैं आज जिस जगह मौजूद हूं ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक हदीस शरीफ बयान करता चलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने यतीम की कफालत की, उसके सर पर हाथ रखा, क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ करीब होगा। हज़रत सल्लम ने इस तरह इशारा करके फरमाया था, दो उंगलियाँ और फिर इस तरह थोड़ा सा उनमें फासला कर दिया था कि जो शख्स यतीम की कफालत करेगा और उसका ख्याल रखेगा वो क्यामत वाले रोज़ मेरे साथ इस तरह होगा, मेरे करीब होगा। तो ये आज इसी सिलसिले में मैं एक घर में मौजूद हूँ। पिछले दिनों भी मैंने इस घर की ख़ानदान की वीडियो अपलोड की थी और इनके बारे में कुछ बताया था कि ये मेहनत मजदूरी करते थे। ये भाई सतार भाई था, जी सतार भाई था, मजदूर थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भाई एक मजदूर जो 500 की दिहाड़ी करने जाता है, कभी उसे मिलती है कभी नहीं मिलती। ये छोटा सा घर है और ये यहाँ पे दो खानदान की वो कफालत कर रहा था। एक तो उसका अपना बेटा जो नौजवान था, 2 साल पहले उसको दिल का आरजा हुआ और उसके बायस वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये उसकी फैमिली बैठी है उसके बेटे की, ये भी यतीम हो गए और इनकी वो कफालत कर रहा था अपने घर में। उसकी बीवी जो थी, उसकी बहू, और अपने यानी कि पोतों की वो कफालत कर रहा था। और उसके साथ साथ ये उसके अपने बच्चे हैं जो मेरे पीछे बैठे, ये भी उसी के सपुर्द थे, अल्लाह ताला की तरफ से वो उनकी कफालत कर रहा था। तो पिछले दिनों वो मजदूरी करते हुए एक छत का जो लेंटर था जहाँ पर वो काम कर रहा था, तो वजनी जो लेंटर था सरिये और सीमेंट का जो बना हुआ था वो उसके ऊपर आके गिरा, जिसकी वजह से वो पूरा उसका हिस्सा जो था नीचे, उसी टाइम ही वो ये कहना चाहिए कि अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जाने वाले का जो नेमल बदल तो वापस नहीं आ सकता। तमाम उम्र इनको इसकी कमी महसूस होती रहेगी। लेकिन मेरी पिछली वीडियो को देखकर एक भाई हैं जिन्होंने इनके लिए अमरीका से कुछ मदद की रकम भेजी है, वो इंशाल्लाह हम इनको देंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनमें इस ख़ानदान की कफालत का भी अपने बंदों के ज़िम्मे इसका ले। और दूसरा यह कि जिन भाई ने मदद इनके लिए भेजी है, अल्लाह ताला उसको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और उनके जो वालदैन हैं उनका भी अजर अज़ीम अता फरमाए। उन भाई ने अपना नाम ज़ाहिर करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मेरा नाम ज़ाहिर ना किया जाए, अलबत्ता मेरी वालदा और वालद साहब का नाम जो वो ज़रूर ले दिया जाए, वो भी मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने अमेरिका से भेजे हैं जनाब हमारे पास 8,558.84 रुपये, ये उन्होंने सिर्फ चेकिंग के तौर पे मुझे भेजे। उसके बाद अगली रकम उन्होंने भेजी है 51,888.30 रुपये, टोटल मिलाकर ये रकम बनी है 60,447 रुपये। तो ये अब हम इन दोनों जो बेवा ख़ानदान हैं, यतीम बच्चे हैं, इनमें बराबर बराबर हम इंशाल्लाह तकसीम कर रहे हैं। 30,230 रुपये के हिसाब से हम इनको दे रहे हैं। ये इनके उस दुख का नेमल बदल तो साबित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी के लिए इमदाद के तौर पर इतनी रकम का आ जाना भी किसी नेमत के से कम नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके जो वालदैन हैं, उनका वालदा मरहूमा का नाम है जी उनके अज़रा खातून बीबी, और वालद मरहूम जो हैं अबुल कलाम उनके वालद का नाम है। अल्लाह ताला इन दोनों जो मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी जो नजात का ज़रिया है, बख्शिश का ज़रिया है, जो उनकी औलाद ने ये रकम इन यतीमों के लिए भेजी है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। और इस वीडियो का मैं यहाँ एक बार फिर बताता चलूँ कि मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी की बेबसी नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह के राह में लोगों को तरगीब दी जाए कि आएँ ऐसे लोगों की मदद करें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो अपने घरों में मजबूर बैठे हैं, आएँ ऐसे लोगों की मदद करें। और ऐसे और भी बहुत सारे ख़ानदान मौजूद हैं, आप लोग इस काफ़िले का हिस्सा बने, इंशाल्लाह मैं आपकी जो रकम होगी अमानत के तौर पे उन लोगों तक, मुस्तहकीन तक पहुँचाता रहा हूँ, पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह। इस काफ़िले का हिस्सा बने और इस कार खैर में मज़ीद भी शामिल होते रहें। चोलिस्तान के लोग बहुत गरीब हैं, वहाँ बहुत गुरबत है, वहाँ नलकों की ज़रूरत है, पानी नहीं है, नलके चोरिस्तान के जो उस जाने वाले रास्तों पे लगाए जा सकते हैं उसमें भी शामिल हों, और जहाँ जहाँ नेकी का काम है उसमें मेरे साथ इस काफ़िले में शामिल हों। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा और ये सिलसिला इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। तो आइए चल के हम देते हैं अब इनको।
ये 30,230 रुपए जो हैं हम जो अभी भाई सतार भाई हैं उनकी बेवा को देने लगे हैं, और दूसरे जो 30,230 हैं वो उनके जो बेटे हैं उनके बच्चों को यतीमों को हम देने लगे हैं। तो अल्लाह ताला उनका ये भेजा हुआ हदिया कबूल फरमाए। ये 30,230 रुपए हम जो उनके बेटे हैं जो पहले जो बेवा जो है उनकी बच्चा जो पोते उनके यतीम हुए हैं उनके ख़ानदान की कफालत के लिए दे रहे हैं। बाकी इमदाद तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, इंसान तो सिर्फ वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला उनको वसीला बनाता है। तो चलिए जी ये भी हम उनको जाके देते हैं जी। अच्छा बीबी, 30,230 रुपए आपको जो अमानत भिजवाई गई थी उन्होंने जो मुझे भिजवाई थी मैंने आपको पहुंचा दी है। अगर बताएं आप पहुंच गई आपको? पहुंच गई। अच्छा जिन भाई ने आपको ये भिजवाई है वो इस टाइम आपको देख रहे होंगे और इसके अलावा और लोग भी अब आपको देख रहे होंगे, आप कोई पैगाम देना चाहें? जन्नत में जगह दे जी। वो दुआ कर रहे हैं कि जिन्होंने गरीबों की यतीमों की मदद की अल्लाह ताला उनके वालदैन की मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी बीबी, बीबी आपको भी 30,230 रुपए रकम जो भिजवाई थी उन्होंने वो आपको मिल गई? जी मिल गई। आप कोई पैगाम देना चाहें उन भाई को? आमीन आमीन जी जी। इनको इन्होंने भी यही दुआ या कलमात कहे हैं कि अल्लाह ताला जो यतीमों की मदद कर रहे हैं और उनके काम आ रहे हैं अल्लाह ताला उनके वालदैन की मगफरत फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए। अच्छा नाजरीन, मुझसे गुज़िश्ता वीडियो जो थी मैंने इस ख़ानदान की अपलोड की उसके कमेंट्स में एक भाई ने इन ख़ानदान का जो एड्रेस है वो पूछा था, तो चूंकि मुझे मुकम्मल एड्रेस का उसको पता नहीं था तो मैं अब यहाँ भाई से पूछ रहे हैं, ये इनके हमसाए हैं उनसे हम पूछ लेते हैं। ये भजन इसका जगह का मुकम्मल एड्रेस बताएं जी। बस्ती भट्टिया मौजा साला भावलपुर। बस्ती भट्टिया मौजा साला जी जी। मस्जिद ज़हूर मुस्तफ़ा। नज़्द मस्जिद ज़हूर मुस्तफ़ा, ठीक है। मस्जिद के सामने ये घर है, ठीक है ठीक है। नाज़रीन इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और ये दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह इस काफ़िले में जो हमने ये शुरू किया है लोगों के मुस्तहक लोगों की मदद करने का, आप लोगों से ये इल्तिजा भी करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने ज़कात सदक़ात फितरात जो भी आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं उस सिलसिले में आएँ और हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपके इस अजर अजीम को अल्लाह ताला अपने यहाँ मकबूल फरमाएगा। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान। अच्छा ये जो मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनके घर के करीब ये एक ज़ेर तमीर मस्जिद है, इसके साथ ही उनका ये घर है और ये मस्जिद ये आप देख सकते हैं, ये उन पर फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग तस्दीक करना चाहें कि यहाँ पे ये वकुआ हुआ है या नहीं हुआ है, मज़दूर किस तरह बेचारा हलाक हुआ है, तो इस फ़ोन नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। और ये इसी के साथ ही ये उनका घर है, ये वाला सामने, ये सामने उन्हीं का घर है जी। बाकी अगर कोई यहाँ पे अपने तौर पे इमदाद के लिए आना चाहता है तो ये मदरसा है, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये उनका एड्रेस है, उनकी गली में है और ये उसके साथ ही उनका घर है। अगर यहाँ आके पूछ भी ले कि कहाँ पे फौतगी हुई है, किस तरह जो मज़दूर लेंटर के नीचे है, तो ये उसी मदरसे के साथ ही उनका घर है, ये सामने मदरसा और उसके साथ ही उनका घर। बस्ती कौन सी कहते हैं जी इसको? बस्ती भटिया कहते हैं इसको, बस्ती भटिया मौजा साला बहावलपुर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।